बनारस ही नहीं पूर्वांचल में बनारस में पहली बार आधुनिक शिक्षा की नींव रखने वाले जगदीप मधुक जी के साथ हूँ। ये संपीम शिक्षण संपीम एकेडमी के यहाँ पे महासचिव है। आइए जानते हैं कि यहाँ विद्यालयों के वार्षिकोत्सव के इतिहास में पहली बार रामायण की प्रस्तुति होने जा रही है वार्षिकोत्सव के अवसर पर। तो आइए जानते हैं कि क्या तैयारी है जो बच्चे रामायण की प्रस्तुति कर देना। तैयारी बहुत बढ़िया है, 1100 बच्चा इसमें भाग ले रहा है और इसमें विभिन्न मंचों के लोगों ने आवाज दी है। मुकेश खन्ना जी की आवाज इसमें मेन है और बाकी रामायण के उसके ऊपर जो रोशनी है वो हमारे त्रिपाठी जी हमारे साथ है। मुख्य अतिथि कौन होंगे इस कार्यक्रम? अरुण गोविल सर। अरुण गोविल सर, क्या तैयारी कुछ है रामायण महाकाव्य के मंचन को लेकर? हमारी तैयारी हुई है और ये बनारस के इतिहास में इतने बच्चों को एक साथ लेके काम करना शायद पहली बार। पीछे भी कई शो हुए हैं, 600-700 बच्चों को लेकर हुए हैं, लेकिन 1000 से ज्यादा बच्चों को लेकर के ये पहली बार ऐसा होगा। तो दो दिन का कार्यक्रम हो गया? दो दिन का कार्यक्रम। अच्छा, कुल कितने बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं? 1000 से ऊपर है। तो देखिए सनबीम एकेडमी के वार्षिकोत्सव में लगभग 1000 से ऊपर बच्चे भाग ले रहे हैं, ये अपने आप में ये अनूठा होगा। 4 और 5 फरवरी को रामायण के पात्र अरुण गोविल द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा।